UNMISS वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक न्यूज आर्टिकल में कहा गया है कि पहली बार भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी मेजर जैस्मिन चड्ढा ने अपने नाइल में पुरस्कार समारोह में पैदल सेना इंजीनियर्स और चिकित्सक अधिकारी सहित बड़े भारतीय दल की परेड का नेतृत्व किया। आर्टिकल में मेजर जैस्मिन चड्ढा के हवाले से कहा गया है कि एक विशेष दिन पर अपनी रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए सम्मान की बात है। मेजर चड्ढा ने कहा कि महिलाओं को लीडर्स के रूप में स्थापित करके हम सामान्य रूप से दक्षिण सूडान के नागरिकों और विशेष रूप से इसकी महिलाओं को एक मजबूत संदेश भेज रहे हैं। मेजर चड्ढा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्होंने मिशन में सेवा करते हुए सड़कों की मरम्मत या बाढ़ को कम करने के प्रयासों सहित अपने कर्तव्यों का पालन किया है। हम स्थानीय आबादी के संपर्क में हैं और वो देख सकते हैं कि हम महिलाएं एक टीम का नेतृत्व कर रही हैं और हम दोनों का सम्मान किया जाता है और उनकी बात सुनी जाती है। समारोह में UNMISS फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम ने शांति सैनिकों को पदक प्रदान किए। संयुक्त राष्ट्र पदक ने सम्मानित 1171 सैनिकों में से 5 महिलाएं शांति रक्षक हैं। UNMISS के आर्टिकल में सुब्रमण्यम के हवाले से कहा गया कि अपने दक्षिण सूडान में एक अमिट और प्यारी छाप छोड़ी है। आप सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आपने हजारों नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की है। बेशक इस प्रक्रिया में लोगों की जान बचाई और मानवीय सहायता के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण भी किया है। मिशन में सेवारत एक इंजीनियर कैप्टन करिश्मा कथायत ने आर्टिकल में कहा, हम यहाँ जिन लोगों की सेवा करने के लिए हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान देना एक शानदार एहसास है। हमारा इंजीनियरिंग का काम कुछ ऐसा है जिस पर हमें बहुत गर्व है। आर्टिकल में उल्लेख किया गया है कि अधिडियांग और कोडक में हिंसा लगभग 11,000 विस्थापित लोग अभी भी UNMISS सैन्य अड्डे के पास इकट्ठे हैं। बावजूद उन्हें चोटें आई हैं, पिछले साल सितंबर से भारतीय चिकित्सा कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण इमरजेंसी सर्जरी की जिसमें 5 बच्चों की जान बचाई गई। मिशन के साथ तैनात एक डॉक्टर मेजर अमनप्रीत कौर ने कहा कि इन हस्तक्षेपों के बिना बच्चों की जान जा सकती थी या अंग विकृति बनी रह सकती थी। हमने UNMISS के कर्मचारियों और हमारे दक्षिण सूडानी मेजबानों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके बहुत कुछ सीखा है जो आपात स्थिति या विशेष उपचार के लिए आते हैं। ये उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि पिछले मरीजों को अच्छे स्वास्थ्य में वापस आते देख एक अमूल्य अनुभव है।